तो और भाई क्या चल रहा है? आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉक्सिक के बारे में। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। टॉक्सिक जिसको रोस्ट करता है उसके बारे में। अभी तक तो भाई तुम समझ ही गए होगे किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पायल जोन के बारे में। और ये जो पायल जोन है, ये एक ऐसा प्राणी है जो अपने हर वीडियो के थंबनेल में या तो उंगली दिखा रही होती है या फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही होती है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं स्टार्टिंग करूँगा, इसका चैनल स्टार्ट होता है पढ़ाई की वीडियो से। मैं तुम्हें उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, उसकी फर्स्ट वीडियो का, जो कि कुछ 1.5 साल पहले डाली थी इसने। एक सेकेंड। तो ये वीडियोस ये डालती थी पहले अपने चैनल पे, और उसके बाद ये डालने लगी कुछ हाउ टू ग्रो या फिर हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेट 4000 वॉच आर, मतलब ऐसे टाइप का वीडियोस ये डालने लगी। और तब भी इसको ग्रोथ नहीं मिली। तो इसने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। इसको मतलब था पैसों से, ना कि अपनी पॉपुलैरिटी से। तो ये डालने लगी दूसरे यूट्यूबर्स पे वीडियो। तो सबसे पहले, पर उससे पहले एक बंदा ऐसा हो सकता है जो अपनी फ्रेंड मरने पे लिटरली वीडियो अपलोड कर रहा है, माय फ्रेंड इज़ नो मोर, उससे पैसे कमा रहा है। भाई इतना नीच आदमी भाई कोई हो सकता है? आदमी तो वैसे भी है नहीं है। तो फिर उसने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे वीडियो डालना स्टार्ट करी, जैसे कि कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी व्लॉग्स, ट्रिगर्ड इंसान। और डालते डालते मतलब ये डालती ही गई। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, और अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब इस वाली फोटो में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे टॉप पे देखो, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, उसके बाद माफ़ कर दो प्लीज़, और उसके बाद दिस इज़ नॉट एंड। भाई क्या मैं लॉजिक भी किसकी ही बातों में ढूंढ रहा हूँ भाई साहब। मैं खुद पागल हो जाऊँगा इस पागल जोन पे वीडियोस बनाते बनाते। और ये पहला ऐसा प्राणी है जो एक ही टॉपिक पे डबल डबल वीडियो बनाता है। पहले कहता है वारी जामा सॉन्ग इज़ बेस्ट, वर्स्ट, बेस्ट भी नहीं वर्स्ट। उसके बाद कहता है वारी जामा सॉन्ग इज़ बेस्ट, मतलब फिर मैं लॉजिक ढूंढने बैठ जाता हूँ यार। मैं क्यों भूल जाता हूँ मैं किस किसके ऊपर रोस्ट बना रहा हूँ। तो पहले अगर मैं इसकी थंबनेल की बात करूं यार, मतलब थंबनेल ऐसा कौन बनाता है सीरियसली। थंबनेल पे ये जो तीनों लोग हैं, ये ऐसा लग रहा है कि भाई किसी शादी वादी में गए थे, और शादी वादी में जाके कोई फोटोग्राफी इन्होंने करवाई है और वही फोटो यहाँ पे लगा रखी है, और साइड में लिख रखा है वारी जामा। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि थंबनेल में थोड़ी सी भी मेहनत की गई है, जरा सी भी मेहनत नहीं दिख रही है। बस वही है कि किसी की शादी में गए थे तो वहां से फोटो निकाल के लगा दी, या फिर एक सेकेंड रुको, जरा सबर करो, पहले मैं एक और वीडियो दिखा दूँ इसकी, नेक्स्ट वीडियो। बट सबसे पहले मैं अगर इनके थंबनेल की बात करूं तो मुझे थंबनेल काफी पसंद आ रहा है। थंबनेल पे एक सादगी दिख रही है, काफी अच्छा थंबनेल है। बहुत ज्यादा यू नो चीजों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया गया थंबनेल पे, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है। मेरे को भी सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि भाई थंबनेल कैसा अजीब सा, कुछ काम नहीं कर। अभी खुद ही कह रही है थंबनेल एकदम बढ़िया है ऐसा। मतलब भाई यार तुम सोच लो ना पहले, तुम्हें कहना क्या चाहते हो तुम? एक तो तुम पहले उल्टा फुल्टा घुमा के मत कहा करो ऐसे। और भाई मैं क्यों ऐसा हूँ, हमेशा मैं भूल जाता हूँ कि मैं पागल जोन की वीडियोस देख रहा हूँ। पागल जैसे पागल कहते हैं ना, उसकी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। तो भाई यार बस आज के लिए बस इतना हो गया। मेरे को पता है वीडियो बहुत छोटी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटी है, अभी 4 मिनट की ही बनी है। पर मतलब अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूँ, और मतलब मैं अपने मम्मी के फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस वगैरह, और वो मेरे को इतना मिलता नहीं है। तो भाई मेरे को टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। और भाई ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, क्योंकि मैं मोबाइल के मतलब जो माइक होता है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मिलूँगा मैं तुम सभी से नेक्स्ट किसी रोस्ट या फिर किसी मॉन्टाज के साथ। और भाई मॉन्टाज को भी देख लिया करो। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो भाई पक्का देखना, वो खतरनाक बनाया था मैंने और बड़ा भी था। तो बाय बाय।